नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस YouTube चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, कई दिनों से लोगों की रिक्वेस्ट रेल हादसों के ऊपर वीडियो बनाने को लेकर आ रही थी, तो आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के पास हुए कालका मेल रेल डिजास्टर का केस एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ये रेल हादसा कैसे हुई और इसका जिम्मेदार कौन था। दोस्तों, वीडियो में हम उन सारी पहलुओं के ऊपर बात करेंगे जिसके बाद आप खुद से डिसाइड कर सकेंगे कि यहाँ पर गलती किसकी है। दोस्तों, घटना 10 जुलाई 2011 की है। इसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 9 जुलाई को हावड़ा से चलकर कालका को जाने वाली कालका मेल एक्सप्रेस हावड़ा रेलवे स्टेशन से अपने निर्धारित समय शाम को 7:40 पर रवाना होती है। सभी यात्री अपने मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ट्रेन धनबाद गया प्रयागराज जंक्शन होते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार डाटा के मुताबिक 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही थी। जैसे ही ट्रेन फतेहपुर से 16 किलोमीटर आगे मालवा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, अचानक से ट्रेन के 13 डब्बे डीरेल होकर खेतों में चले गए, जिसमें से 3 डब्बे एक दूसरे के अंदर घुस गए। अंदर बैठे यात्रियों को कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर ये सब अचानक से कैसे हो गया। लोगों की चीख पुकार गांव वाले सुनकर आए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 70 लोगों की जाने गई और करीब 300 लोग घायल हो गए। अब सभी लोगों के दिमाग में यह सवाल घूम रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे ट्रेन के डब्बे अचानक से डीरेल हो गए। दोस्तों, घटना स्थल पर रेलवे की जांच टीम पहुंची, जिसमें प्रारंभिक जांच के दौरान रेलवे अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि बारिश के दिनों में पहिए के नट और बोल्ट में तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसके कारण हो सकता है कि कोच डीरेल हो गए होंगे। वहीं दूसरी बात सामने यह आ रही थी कि लोको पायलट ने पटरी पर गाय आने के कारण इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ट्रेन डीरेल हो गए। दोस्तों, ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक जितना फायदेमंद होता है उतना ही नुकसानदायक भी होता है, अगर इसे सही तरीके से और सही जगह यूज न किया जाए तो। अचानक से अप्लाई किया गया इमरजेंसी ब्रेक हमेशा हादसे का कारण बना है। दोस्तों, हादसे के ठीक एक महीने के बाद चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने रेल मंत्रालय को इस हादसे की जांच की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने बताया कि घटना रेल लाइन में फ्रैक्चर होने के कारण हुई है। फ्रैक्चर होने से रेल 2 टुकड़ों में बट गए, जिससे कोच डीरेल हो गए। लेकिन दोस्तों, कई लोग इस रिपोर्ट को सही नहीं मानते हैं। वे लोको पायलट के द्वारा लगाया गया इमरजेंसी ब्रेक ही घटना का कारण बताते हैं। उनका कहना है कि लोको पायलट ने अचानक से इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई की, तभी कोच एक दूसरे के अंदर घुस गए। दोस्तों, इस तरह से यह घटना आज तक संशय का विषय बना हुआ है। सो आपके अकॉर्डिंग इस घटना का जिम्मेदार कौन है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।